प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हर एक को स्वागत करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक और समय हमें मिला है कि उसकी महिमा करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। क्यों ना मेरे साथ में आप अपने आँखों को मूंदे और हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस मौसम के लिए, धन्यवाद देते हैं तुम्हारी सुंदर संगति के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए कि आज हमारे बीच में जो तुम्हारा आत्मा है वो मंडराता है और हमें तृप्त करता है, हमें तरोताज़ा करता है। और आज हम विनती करते हैं कि हर एक के हृदय को तू आज छू लेगा, आज हर एक को तू आज तृप्त करेगा, ताकि वे अपने घरों में अपने परिवार के साथ में तुम्हारी महिमा, तुम्हारी बड़ाई और तुम्हारी प्रशंसा कर सके। प्रभु हम सबों पर तुम्हारी दया दृष्टि करुणा तुम्हारा बहुता का आशीष रहे, यीशु के नाम से आमीन। प्रिय लोग, इस वक्त जैसे आप सब साथ में बैठे हैं और हम यही आपसे कहेंगे कि क्वाया जैसे अभी गीतों में अगुवाई करेगी, आप उनके साथ में हो लें, गीतों को गाए, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें और जय जयकार करें। और आज हम तुम्हें फिर एक बार स्वागत करते हैं और यही कहते हैं कि तुम्हारी महिमा जो हमें है परमेश्वर की महिमा तो हम अपने घर से कर सकते हो, अपने लिविंग रूम में से कर सकते हो और क्वाया के साथ में जो गीत है तुम गा सकते हो। जय हुआ, जय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, श्वेता
My Redeemer lives.
Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know, he holds the future. And life is worth living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory be to God, glory be to God, glory be to God. Dhanyavad Parmeshwar, dhanyavad Parmeshwar, dhanyavad. Dhanyavad mere rajaon ka raja, mere prabhuon ka prabhu, tu hi data hai, vishwa vidhata hai. Oh, tu hi sirjanhar hai, palanhar hai, taranhar hai. Prabhu, hum tujhe dhanyavad dete hain is sundar samay ke liye, is sundar se mausam ke liye aur sundar se din ke liye dhanyavad dete hain. Aur hum yahi binti karte hain mere Parmeshwar ki tumhari mahima hoye. तुम्हारी बड़ाई होए, तुम्हारी प्रशंसा होए और तुम्हारे लिए हम जय जयकार को कर सके। अब्बा पिता परमेश्वर, तुम्हारी दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष हम सभी सुनने वालों पर रहे और हमारे हालातों पर तू अपने दृष्टि को रखता है मेरे परमेश्वर। हमारे बीमारी पर, दुख में, तकलीफ में तू हमारे साथ साथ को रहता है। तू ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा, ये तुम्हारा वचन है मेरे प्रभु और ये पक्का वचन है जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर आज इस सुंदर समय के लिए और आज हम खास कर विनती करते हैं तुम्हारे वचन के लिए, जो वचन आएगा उस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे वचन सुनने वाले सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बनेंगे और तुम्हारी महिमा करने वाले बनेंगे, तुम्हारे प्रशंसा करने वाले बनेंगे। हम सबों को मदद करना, सहायता करना कि हम एक अच्छा पात्र बन सके मेरे परमेश्वर, कि तुम्हारे जो सुसमाचार को हम कोने कोने में पहुंचा सके। आज का जो दिन है एक सुंदर और शुभ दिन और आनंद का दिन, जय का दिन रहे हम सबके जीवन में, ईशु के नाम से आमीन। एक बार फिर हम हर एक को स्वागत करते हैं
और धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों से देख रहे हैं। और इस समय जब हुआ है कि हम आज के मुख्य वचन को सुनेंगे। और आज इतना सुंदर बात है कि आज हमारे बीच में हमारे मुख्य पादरी है जो आज का वचन लेकर आएगा, और हम भी आज देखेंगे कि आज परमेश्वर ने उसके हृदय में क्या कुछ रखा है, क्या वचन आज क्या हमें सिखलाती है, क्या शिक्षा हमें मिलता है। तो क्यों ना हम ध्यान लगाकर आज का जो वचन देखें, और आज हमारे मुख्य पादरी जो है वो आता है। धन्यवाद। मसीह की जय। मैं सबको स्वागत करता हूँ आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत ही खुश हूँ कि आज हमारे साथ में ये शुभ दिन, सुंदर दिन, आनंद और खुशहाली से भरा हुआ दिन, खासकर हम मसीहों के लिए, जबकि हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ। एक गीत लिखने वाला ने बहुत ही सुंदर से कहा है, जितने पैदा हुए थे सभी मर गए, निकला कब्र से जिंदा हमारा मसीह। इसी मसीह के विषय में मैं आज कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। इस आनंद और खुशहाली के समय बाइबल में से मैं पढ़ता हूँ उस घटना जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था। मैथ्यू चैप्टर 28:1 से मैं पढ़ता हूँ। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वह फटके ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भुंडोल हुआ क्योंकि प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से प्रभु कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहाँ पर वह पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे यह कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं, और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसके दंडवत किए। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चलें जहां वह मुझे देखेगा। यह है बाइबल में से वो भाग उस दिन का घटना जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। आओ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम यहाँ पर एकत्रित होकर ये शुभ दिन, ये खुशहाली का दिन मना सकते हैं और सचमुच याद कर सकते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। जो कुछ हम बाइबल में से पढ़ते हैं उस वचन के द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें और ये सुसमाचार जाकर सभी को बताएं कि यीशु जी उठा है। पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी उठा। मसीही संस्था जो है क्रिश्चियनिटी एक भारी अलौकिक धर्म है, इट्स अ सुपरनेचुरल रिलीजन। इसमें हम लोग बहुत कुछ देखते हैं जो कहीं पर और आपको नहीं मिलेगा। अलौकिक है, सुपरनेचुरल है, लेकिन फिर भी इतिहास में जड़ा हुआ है। सबसे भारी आश्चर्यकर्म यही हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ। इसी में हमारा विश्वास अटल है, यही विश्वास में हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं।
यही विश्वास में हमारा आश्वासन है कि एक दिन हम फिर साथ में मिलेंगे। बाइबल हमें साफ साफ बताता है कि वो मृतकों में से जी उठा। इतिहास इसका साबूत करता है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। अगर आप बाइबल के कथा को देखोगे तो आप देखोगे कि 11 चेले लोग हारे हुए थे, निराश थे, डरपोक थे, लुके हुए थे, भाग रहे थे और उनमें कोई आशा नहीं रहा। ऐसा मालूम पड़ता था कि वे सब कुछ खो दिए थे, क्योंकि यीशु मसीह जो उनके साथ में 3 वर्ष तक था, अच्छे अच्छे बातों को बताया, आश्चर्य कर्म को किया और वो लोग विश्वास किए थे कि यही मसीहा है, अभी 2 दिन पहले क्रूस पर टांग गया और मर गया। लेकिन इसके बाद अगर हम उनके विषय में देखते हैं तो कुछ ऐसा चीज़ हुआ उनके जीवन में जो उनके जीवन में बिल्कुल भारी बदलाव ला दिया। उनका जीवन, उनका चाल चलन, उनका विचार, उनका सब कुछ बिल्कुल बदल गया। क्या हुआ था? उनके हृदय में एक आग समान आ गया, एक जोश आ गया थोड़े ही दिनों में। और वे लोग क्या किए, इस थोड़े दिनों में वे सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में प्रचार करने लगे और दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिए ये खुशखबरी लेकर। उनका व्यक्तिगत अनुभव जो था कि यीशु उनके जीवन में क्या आश्चर्यकर्म किया, ये भी उनके जीवन को बिल्कुल बदल दिया। हम लोग जो मसीह विश्वासी हैं, दुनिया भर में चाहे कोई कोना में तुम जाओ, वहाँ पर यीशु मसीह के विश्वासी है, आप देखोगे कि उनका जीवन बदल गया, उनका रहन सहन बदल गया, उनका जो पापी जीवन था, जो गलत जीवन था, जो गलत मार्ग में थे, वे सब बदल गए, बिल्कुल बदल गए। उनका जीवन का इतिहास बिल्कुल बदल गया, जैसे इस संसार के इतिहास बदल गया। सब क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह जीवित हुआ, यीशु का पुनरुत्थान हुआ। ये एक हकीकत है, सच्चाई है। बहुत से लोग जो नहीं विश्वास करते इसमें, कई वर्षों से वे कोशिश करते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान को नकारने के लिए, गलत मनाने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो क्रूस पर मरा नहीं, उनका विचार ये है कि वो क्रूस पर मरा नहीं लेकिन बेहोश हो गया, और बेहोश हो गया और वे लोग जब ले जाकर उसको इस सुरंग में रखे जहाँ पर वे लोग मरे हुए लोगों को रखते थे, तो ठंडा होने के कारण वो फिर से जोश में आ गया। और सोचो थोड़ी देर के लिए, एक आदमी जो अधमरा था, जिसको क्रूस पर टांगा गया, जो मर गया था क्रूस पर, ये लोग कहते हैं कि अधमरा था, पूरा नहीं मरा, वो रखा क्रूस पर सुरंग में, वो सुरंग में वो फिर होश में आया और वहाँ से निकल कर आकर ये भारी पत्थर जो लगा हुआ था वहाँ पर उसको लुढ़काया। फिर वहाँ से निकल कर जाकर जो ये कमज़ोर व्यक्ति जिसके शरीर में ताकत नहीं था, जिसको मारा गया था, जिसके शरीर जोतल खेत के समान हो गया था, ये आदमी जिसके दवा के ज़रूरत था, डॉक्टर के ज़रूरत था, जिसको ज़रूरत था कि कोई उसको देखभाल करे, ये आदमी निकल कर इस कब्र में से जाकर और इन 11 चेलों को इतना उत्साह कर दें, इतना जोश में ला दें कि वे 2-3 साल में दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार करें प्रभु यीशु मसीह के विषय में। उनका जो दुख था सो खत्म हो गया, जोश से भर गया। उनका जो मान था प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो आदर करते थे वे, वो बदल गया और वे उसके आराधना और स्तुति करने लगे। बाइबल से जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं और उससे हम लोग ये ज़रूर से जानते हैं कि प्रभु यीशु निश्चय क्रूस पर मर गया। जब सोल्जर्स लोग जो थे वहाँ पर वे आए, 3 लोगों को टांग गया था क्रूस पर, यीशु मसीह बीच में दोनों किनारे में, चोर लोग, डाकू लोगों को टांगा गया था, और जब वे लोग आए उनको वहाँ पर क्रूस से निकालने के लिए, देखने के लिए, तो वे लोग देखे कि ये लोग मर गए थे और रोमी सोल्जर्स के रिवाज के मुताबिक उनके गाठी तोड़ा गया।
लेकिन जब वे लोग आए यीशु मसीह के पास तो वे लोग देखे कि वो यीशु मसीह मर चुका था और एक ने भाला मारा और खून और पानी उसके बगल से निकला, जो उनके लिए बिल्कुल साबूत था कि यीशु भी मर गया। और जब ये हुआ सब कुछ, वे लोग ले गए उसको, दो जो चोर लोग थे उनको वहाँ से लेकर चले गए। लेकिन एक आदमी था जिसके नाम था जोसेफ अरिमथिया का, वो आया पिलातुस के पास और उनसे चिरौरी किया कि उसको यीशु का शरीर दे दो। वो एक मसीह विश्वासी था, ने कहा कि उसको यीशु का शरीर दे दो, और उसने दे दिया और वो शरीर लेकर उसको क्रूस से उतारा, उसके कपड़ों में लपेट कर और ले जाकर, ये उसका कब्र था, एक नया कब्र था जिसमें उसको ले जाकर उन्होंने रखा। और जब ये हुआ तो फरीसी लोग गए पिलातुस के पास और कहे कि हमें पहरा की ज़रूरत है, क्योंकि ये आदमी ने कहा था कि वो तीसरे दिन बाद जी उठेगा, और हम लोग चाहते हैं कि एक पहरा रखो यहाँ पर, कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले लोग आकर और उसको चोरी करके ले जाए और जो इसका फैला दे कि हाँ वो जीवित है। और इसलिए पिलातुस ने कहा कि ठीक है ले जाओ, पहरा लोगों को रखो वहाँ पर, गार्ड्स को रखो वहाँ पर। और वे लोग गए, गार्ड्स को वहाँ पर रखे। और हम लोग जानते हैं कि ये गार्ड्स वहाँ पर थे, देखे लोग यीशु का पहरा दिए, और कोई चोर या कोई डाकू वहाँ पर आकर उनको नहीं लेकर गया। सबसे भारी साबूत प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, लेकिन उसके चेले लोग नहीं विश्वास किए। कुछ दिन तक उसके चेले लोग नहीं विश्वास किए, वे लोग बहुत धीरे से उसके विषय में सोचे और सोचते थे क्या हुआ। वे लोग सोचे थे कि यीशु मसीह मर गया, किसी ने उसके शरीर को चोरी कर लिया, नहीं विश्वास किए कि वो जिंदा है। लेकिन पहले लोग जो उसको देखे वे थे कुछ स्त्री लोग। स्त्री लोग आए इस कब्र के पास, क्योंकि सबत का दिन था जब यीशु मसीह मरा था, सब काम वे लोग पूरा नहीं कर पाए थे जो मुर्दा के लिए किया जाता है। तो वे लोग आए सबत के बाद सवेरे सवेरे, और वे लोग चाहते थे सब काम करने के लिए। जब वे लोग आए कब्र के पास तो वे लोग पहला चीज़ देखे कि जो बड़ा पत्थर है वो वहाँ से लुढ़का हुआ है। बाइबल में पढ़ते उसी रात को दूत आकर उस पत्थर को वहाँ से लुढ़का दिया। मेरी मैग्डलिन जो थी वो वहाँ से तुरंत लौट कर गई, दौड़ कर गई पीटर के पास और जॉन के पास, और उनसे बताया कि देखो उन्होंने यीशु के शरीर को वहाँ से हटा दिया। और जब वो जब ये लोग गए थे पतरस के पास, और एक और स्त्री वहाँ पर थी मरियम के साथ में, वो अंदर गई और अंदर में क्या देखती है कि वहाँ पर एक दूत बैठा हुआ है जिसने उनसे कहा कि यीशु मसीह जी उठा है, और वे वहाँ से तुरंत निकल कर चली गई। उन्होंने कहा तुम क्यों मरे हुओं को खोजते हो, जीवित लोगों को खोजते हो मरे हुओं के बीच में, वो यहाँ नहीं है, वो जीवित है, वो चला गया है। मेरी मैग्डलिन जो थी वो पीटर और जॉन से मिला, और पीटर और जॉन को जब ये खबर मिला तो दोनों जन दौड़ कर गए कब्र के पास। पतरस जो था वो साथ साथ में जॉन के साथ में दौड़ते गया। जॉन जो था पतरस से जोर भागा, और जब वो आया कब्र के पास वो अंदर नहीं गया, लेकिन पतरस आकर तुरंत अंदर चला गया, कब्र के अंदर चला गया, और उसके पीछे जॉन वहाँ पर गया। जब वे लोग अंदर गए तो क्या देखते हैं वहाँ पर, पतरस अंदर गया और क्या देखता है वो कि जो कपड़ा में प्रभु यीशु मसीह को लपेट कर रखा गया था वो वहाँ पर बटोर कर एक जगह पर रखा है, और जो उसके सिरहाने पर जो कपड़ा था उसको लपेट कर अलग में रखा है। पतरस ने जब ये देखा तो वो जान गया कि कोई चोर इसको नहीं चोरी किया, क्योंकि कोई जो चोर चोरी करता है शरीर को तो वो ये सब चीज़ इतना अच्छा से लपेट कर रख कर नहीं रखता वहाँ पर।
पतरस और यहूना वहाँ से निकल कर गए। मेरी मैग्डलिन फिर लौट कर आई दूसरी बार और उसने यीशु मसीह को देखा। यह था प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पहली बार जबकि कोई ने किसी ने उसको देखा और वो मरियम थी। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब ये खबर लेकर ये चेले लोग ये स्त्री लोग खबर लेकर जा रहे थे साइमन के पास, तब वहाँ पर साइमन से उन्होंने मिला और चौथा बार जब उन्होंने मिला जो दो लोग इमाउस से चले आए थे, दो चेले लोग इमाउस के लौट कर आ रहे थे और उनसे प्रभु यीशु मिला और बातचीत करा उनसे। यहाँ पर समय नहीं रहेगा पूरा डिटेल्स में बताने के लिए, लेकिन ये दो लोग मिले, ये चौथा लोग थे जो मिले। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से मिला, वे लोग सब एक कमरे में थे, डर के मारे सब बंद करके वहाँ पर अंदर थे। थॉमस इस समय नहीं रहा वहाँ पर और उनके बीच में यीशु मसीह आया, और जब यीशु मसीह उनके बीच में आया और उनसे बातें चीतें किया और वे लोग विश्वास किए कि हाँ सचमुच यीशु मसीह जीवित है। लेकिन जब थॉमस फिर लौट कर आया उनके बीच में, थॉमस से वे लोग बताए कि हम लोगों ने यीशु मसीह को देखा। थॉमस ने कहा कि मैं नहीं विश्वास करूँगा जब तक कि मैं अपने हाथ को उसके पसली में नहीं लगाऊँगा, उसके नीले के मांक में नहीं लगाऊँगा तब तक मैं नहीं विश्वास करूँगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, थॉमस जो था वो नहीं विश्वास किया जब तक कि वो देखेगा नहीं। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उनसे मिला कुछ दिनों के बाद, थॉमस वहाँ पर था और थॉमस अपना हाथ लगाकर घाव पर जहाँ पर चोट लगा था और उसने विश्वास किया और उसने कहा कि हाँ ये है मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर। इसके बाद सबके डर जो था वो खत्म हो गया। ये आदमी लोग जो डर के लुके हुए थे अब उनमें आनंद आ गया, हिम्मत आ गया, बहादुरी आ गया, एक ऐसा जोश उनमें पैदा हो गया और वे तैयार हो गए। डर वगैरह सब दूर करके, दुविधा सब दूर करके वे तैयार हो गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, ये खुशखबरी सभी को सुनाने के लिए, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। अब वे बिल्कुल संतुष्ट थे, कोई दुविधा नहीं था कि हाँ यीशु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठा है। ये सब चीज़ जो हुआ, ये घटना चेलों से मिला, चेलों का जो हालात था जो डरे हुए थे अब उनका हालात बदल गया, अब वे आनंद से भर गए, अब वे बहादुरी दिखा रहे थे, उनमें हिम्मत आ गया, वे जाकर सुसमाचार प्रचार करने लगे। ये सब कुछ साबित करता है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी प्रभु है। इस तरह का बदलाव शायद संसार में कहीं पर और नहीं दिखाई देगा कि जो लोग बिल्कुल डरे हुए थे, हारे हुए थे, डरते थे कि कहीं रोमी सरकार उनको फिर से पकड़ कर उनको भी नहीं मार दें, और अचानक वे बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं, तुरंत बदल जाते हैं और इतना ज़्यादा बदल जाते हैं कि कोई समझ नहीं पाता क्या हुआ इनको कि ये लोग इस तरह से बदल गए। और सिर्फ ये हुआ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। 11 आदमी हारे हुए थे, डरपोक थे। पतरस ने कहा मैं जाता हूँ मछली मारने के लिए, कोई आसरा नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़े दिन बाद ये लोग बदल गए, बहादुर हो गए, मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो गए और ये लोग सब जाकर सुसमाचार प्रचार करने लगे। क्या हुआ जो इनके जीवन में बदलाव लाया, कौन चीज़ ऐसा था जिसके कारण ये बदल गए? एक ही जवाब है इसका, यीशु मृतकों से जी उठा, यीशु का पुनरुत्थान हुआ और यीशु आकर उनके जीवन में उनको बिल्कुल बदल दिया। और ये सामर्थ जो यीशु मसीह को ये चेलों को बदला है
वो आज भी हमारे लिए है, आपके लिए है। आपके जीवन में निराशापन है, आप खोए हुए हो, पाप में गिरे हो, बदलाव जाना चाहते हो, एक जगह आपको ये सामर्थ्य मिलेगा और वो है यीशु मसीह। सिर्फ वही बदल सकता है। बहुत से लोग निराश हैं, आज खोए हुए हैं, हारे हुए हैं, और ख़ासकर इन दिनों में जब हम लोग देखते हैं बीमारी फैल रहा है, तूफान आ रहा है और तरह तरह के समस्याएं, कष्ट हो रहा है और हम लोग सब डरे हुए हैं, निराश हैं। कहाँ से हमें आश्वासन मिलेगा, कहाँ से हमें आशा मिलेगा, कौन हमें ये आशा देगा कि सब कुछ ठीक है? सिर्फ एक जो जीवित है और वो है यीशु मसीह। कोई मरा हुआ व्यक्ति हमें ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा है वो हमारे जिंदगी को बदल सकता है। ये सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ है वो आज भी हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने थॉमस को पहचाना और उसने उनसे ये कहा, धन्य है वे जो देखते नहीं हैं लेकिन फिर भी विश्वास करते। हम लोगों ने उसको देखा नहीं है, हमने विश्वास किया है और हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। हम लोग गवाह दे सकते हैं क्योंकि मेरा जीवन बदल गया। कई एक लोग जो है यहाँ पर आप सुनते हो, अगर आप मसीह विश्वासी हो आपके जीवन भी बदला क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आया और सब कुछ बदल दिया। हम एक ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम एक ऐसे लोग हैं जो हमारा जीवन बदला हुआ है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। हम लोग देख सकते हैं उसको, शायद हम लोग अपने आँखों से नहीं देखे हैं लेकिन अपने विश्वास के आँखों से हमने देखा है और विश्वास के द्वारा हम इस सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देते हैं, जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। पौलुस ने ये इच्छा प्रकट किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं। इसी तरह से यही सामर्थ्य में, ये पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा ये चेले लोग दुनिया के चेहरे को बदल दिया। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ फिजी में भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जो मिशनरीज लोग शुरू में लेकर आए थे, फिजी के इतिहास को बदल दिया और फिजी आज एक दूसरा देश है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आया। और इसी तरह से व्यक्तिगत रूप से कई एक लोग हैं जो कह सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मैं बदल गया। जब से यीशु मेरे जीवन में आया सब कुछ बदल गया। क्या तुम्हारे पास ये विश्वास है? क्या तुम ये विश्वास करते हो? क्या तुम खोजते हो, ढूंढते हो एक नया जीवन के लिए? तुम ढूंढते हो शांति प्राप्त करने के लिए? तुम ढूंढते हो एक आश्वासन जिससे तुम्हें मिल जाए कि मृत्यु के बाद सब कुछ ठीक रहेगा? शायद हो सकता है कि हमें भी चाहिए अपने आप को परिपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अर्पण कर देने के लिए। अंत में मैं एक घटना बनाना चाहूँगा, एक कहानी, एक छोटा लड़की के विषय में। एक छोटा लड़की जो स्कूल जाती थी, उसके स्कूल टीचर ने उसे बताया कि मुझे तुम तीन सबसे जाना माना जीवित व्यक्ति का नाम लिख कर दो, तीन जाना माना जीवित व्यक्ति का नाम लिख कर दो। ये लड़की ने जाकर तीन नाम को लिखा। जब टीचर ने उस नाम को देखा, तीनों नाम को देखा, तो उसने कहा कि ये पहला दो नाम तो ठीक है लेकिन ये तीसरा नाम जो तुमने लिखा है यीशु मसीह, इसके विषय में क्या तुम बताना चाहते हो? वो लड़की ने कहा, यीशु मसीह मरा लेकिन वो जीवित हो गया। यीशु आज जिंदा है, वो मृतकों में से जी उठा। अब वो लड़की
बताए कि ये दो जन जो जीवित है उसके साथ साथ में यीशु मसीह भी जीवित है। वो मरा तो सही लेकिन जी उठा। क्या आपका विश्वास ये है? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा? परख कर देखो उसको। अगर आपके जीवन में घटी है, निराशापन है, खोए हुए हो, अंधकार में, बीमारी से, दुविधा में खोए हुए हो, अभी इस फिजी के हालात को देखकर तरह तरह के बीमारी जो होता है इससे हम निराश हैं, अनिश्चित हैं, डरे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक है यीशु मसीह जो आपको शांति दे सकता है। हो सकता है कि आप सभी तरह से खोजते हो शांति प्राप्त करने के लिए, बहुत कुछ गए हो, सभी जगह पर गए हो कि तुम्हें एक आत्मिक शांति मिल जाए, तुम्हें एक आश्वासन मिल जाए कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक है, और तुमने नहीं पाया। आज मैं इस प्रचार के अंत में ये बताना चाहता हूँ, आपको एक नाम और देना चाहता हूँ, वो नाम है यीशु मसीह। उस नाम को परख कर देखो। प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे परख कर देखो, और मैं आपको ये नाम को देता हूँ कि आप इसको परख कर देखो। शायद आप सभी जगह पर गए और इसमें सफलता नहीं प्राप्त किए, अभी भी निराश हो, खोए हुए हो, यीशु के नाम लेकर देखो, वो तुम्हारे जीवन में एक महान आश्चर्यकर्म करेगा। मेरे साथ में प्रार्थना करो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज इस पुनर्थान, यीशु के पुनर्थान के विषय में सुना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक लोग विश्वास करे कि यीशु मसीह सचमुच जीवित है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे भी उस शांति को प्राप्त करे, उस जीवन को प्राप्त करे, वो सच्चाई को प्राप्त करे, उस आनंद खुशहाली को प्राप्त करे जो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, और साथ साथ एक आश्वासन उनको मिल जाए कि अगर आज भी मर जाए तो मृत्यु के उस पार सब कुछ ठीक है। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से मैं सबको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। आमेन। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। Yeah.
से हूँ।